नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, विपक्ष के लालू और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तैयारी की, बात करेंगे कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब पर शुरू हुई सियासत की, चुनाव से पहले सीएए पर तेज हुए टकराव की, जानेंगे मराठा आरक्षण को लेकर क्यों भड़का महाराष्ट्र का ओबीसी समुदाय, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईडी के एक्शंस पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो आपके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी। भाजपा विधायक नितेश राणे के बिगड़े बोल, सोलापुर में हिंदू जन आक्रोश सभा में कहा कि वो उनका भरपूर समर्थन करेंगे, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बॉस देवेंद्र फडणवीस हैं। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए हुआ चुनाव का ऐलान, 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, इसी दिन घोषित हो जाएंगे परिणाम, 15 फरवरी तक किए जा सकते हैं नामांकन। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 1241 अंकों की तेजी के साथ 71942 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 385 अंकों की तेजी के साथ 21738 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से अब बिहार पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले बिहार में नीतीश के पाला बदल और ईडी की कार्रवाई सुर्खियों में छाई रही। ऐसे में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए नीतीश पर निशाना साधा तो मोदी सरकार को भी घेरा। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज पहुंचे। यहाँ स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। राहुल ने कहा कि आज इस विचारधारा के चलते भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते थे कि ये मोहब्बत का देश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने रोज रखती है वह नफरत और हिंसा की है, उसके खिलाफ मोहब्बत की एक नई विचारधारा खड़ी हुई है। जितने भी कोशिश कर लो नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकता है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए किशनगंज में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे थे। सुरक्षा को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। राहुल ने किशनगंज से अररिया के बीच 60 किलोमीटर की यात्रा की। किशनगंज से 15 किलोमीटर दूर बूढ़ी मारी पहुंचे और यहां कुछ घंटे विश्राम किया और फिर यात्रा शुरू की। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं। न्याय यात्रा में किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद, इमरान प्रताप गढ़ी, जयराम रमेश, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी मौजूद हैं। राहुल राज्य में दो दिन रुकेंगे, दो दिनों तक राज्य के 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कल पूर्णिया में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कजला मणि चौक, पूठी मारी हाट, सोनथा, राजसुंदर बारी चौक, शीतल नगर, चारगदिया बॉर्डर अररिया, जहानपुर, जहानपुर रानी, रानी चौक, हरवा चौक, किसान कॉलेज चौक, जोकी हाट, काकन चौक, तारन चौक, बरगाछी चौक, कुर्सा कांटा मोर, अररिया जीरो माइल, अररिया चांदनी चौक, माँ काली मंदिर अररिया पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम यादव कॉलेज मैदान में करेंगे। वहीं आपको बता दें पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी कि कल दोपहर 1:30 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी पूर्णिया में एक विशाल जनसभा करेगी। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई बिहार से शुरू हुई, यहां सामाजिक न्याय भी होता है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद भी यही है। सामाजिक न्याय के नाम पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को घेरा तो बीजेपी की चिंता नीतीश सरकार बचाने की है, क्योंकि बीजेपी भी इस सरकार में शामिल है। एनडीए की सरकार के पास साधारण बहुमत है, ऐसे में कुछ विधायक इधर उधर हुए तो सरकार गिर सकती है, इसलिए बिहार में अब ईडी सक्रिय हो गई है। बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया,
दावे हो रहे हैं नीतीश सरकार को सुरक्षित रखने के लिए लालू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बिहार में नीतीश की नई बनी सरकार के साथ खेला हो सकता है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि जल्द ही नीतीश कुमार पूर्व सीएम बन जाएंगे, जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो दूसरी ओर ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन भेजकर पटना ऑफिस में पूछताछ के लिए बुला लिया। लालू से सोमवार की सुबह से पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान आरजेडी समर्थकों ने पटना ऑफिस को घेर लिया। लालू समर्थकों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए केंद्र के इशारे पर ईडी लालू को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू से पूछताछ की है। इस बीच लालू की बेटी मीसा भारती ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी सांसद ने कहा, आज हमारे पिता लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है और मंगलवार को भाई तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। हमें दिल्ली भी बुलाया गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री काफी डरे हुए हैं। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ होगा। ये सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। एक तरफ लालू की गिरफ्तारी की बातें हो रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के संकेत मिल रहे हैं। ईडी की टीम सोमवार को सीएम आवास पर पहुंच गई, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं मिले। सोरेन से पूछताछ 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद के मामले को लेकर हो रही है। इस बीच कहा जा रहा है कि ईडी के समन को सोरेन चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। वो ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सोरेन लगातार दावा कर रहे हैं कि ईडी का समन ही गैर कानूनी है। लालू और सोरेन दोनों ईडी के निशाने पर हैं और उनकी गिरफ्तारी की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना रास्ता साफ करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, तो धार्मिक मुद्दों को भी धार दी जा रही है। राजस्थान में बीजेपी विधायक ने हिजाब को लेकर बयान दिया तो छात्राएं सड़क पर आ गई। तो क्या कहा बीजेपी विधायक ने, जिस पर शुरू हो गया बवाल, देखिए ये रिपोर्ट। 29 जनवरी की सुबह जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं सड़कों पर उतरी और सुभाष चौक थाने का घेराव किया, सड़क पर जाम लगा दिया। थाने के सामने बने चौराहे पर छात्रों ने डेरा डाल दिया, जिस कारण से पूरा ट्रैफिक थम गया था। दरअसल छात्राओं का ये गुस्सा बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ है। छात्राओं ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। छात्राओं की भीड़ को देखते हुए थाना SP ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं से बात की। दरअसल छात्राओं का ये गुस्सा स्कूल के एनुअल कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के भाषण को लेकर है। बीजेपी विधायक स्कूल पहुंचे थे, जहां उन्होंने धर्म के आधार पर अनुचित टिप्पणी की। उन्होंने लड़कियों के हिजाब को लेकर तीखा निशाना साधा, धार्मिक नारे लगवाए। छात्राओं का कहना है कि शिक्षा के परिसर में ऐसे हिंदू मुसलमान की बातों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसीलिए बीजेपी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। बाल मुकुंद इससे पहले भी अपने बयानबाजी के चलते सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मामले में सफाई देते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि उन्होंने सिर्फ स्कूल ड्रेस की बात की थी। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया, लेकिन बीजेपी विधायकों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। साफ है कि बीजेपी अब हिजाब के सहारे राजस्थान में ध्रुवीकरण की कोशिश में जुट गई है। राम मंदिर, हिजाब ही काफी नहीं है, अब CAA की तैयारी हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अब केंद्र की मोदी सरकार CAA को लेकर आने वाली है और इसे लेकर अधिसूचना किसी भी दिन जारी हो जाएगी। मोदी सरकार के मंत्री ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है, तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बंगाल की जनता को एक हफ्ते में CAA लागू करने की गारंटी दी है। उन्होंने दावा किया कि CAA 7 दिनों में लागू कर दिया जाएगा, जिसका फायदा बंगाल में लाखों लोगों को मिलेगा, जो सालों से भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिकता अभी तक नहीं मिली है। उनके इस बयान के बाद से बंगाल की सियासत में काफी हलचल शुरू हो गई है। दरअसल बंगाल की CM ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो किसी भी कीमत पर बंगाल में CAA को लागू नहीं होने देंगी। दूसरी ओर शांतनु ठाकुर ने कहा है कि नागरिकता देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, ये केंद्र का काम है और केंद्र को अधिकार है, इसलिए ममता बनर्जी से हमें किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल CAA कानून में भारत के पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इसके लिए जो नियम है वो बेहद ही आसान है, जबकि इस मामले में मुस्लिम समुदाय को अलग रखा गया है, जिस कारण से मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। CAA जब केंद्र सरकार ने संसद से पास कराया तो देश भर में इसके खिलाफ जमकर आंदोलन हुआ था और बाद में ये ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब सरकार की ओर से दावे हो रहे हैं कि CAA को लागू किया जा सकता है। CAA 7 दिन में लागू होगा, वैसे इस तरह के दावे पहले भी होते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री का ये दावा हकीकत बनेगा या जुमला, ये 7 दिन में ही साफ हो पाएगा।
जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर पिछले 5-6 साल से बार बार आंदोलन होता जा रहा है। हर बार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता है जो जुमला बन जाता है। एक बार फिर मराठों को आश्वासन दिया गया है, लेकिन इससे अब दूसरे ओबीसी नेता भड़क उठे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला तूल पकड़ रहा है। इसकी अधिसूचना के खिलाफ ओबीसी नेताओं ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। इस संबंध में मुंबई में छगन भुजबल के आवास पर ओबीसी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग, न्याय शिंदे कमेटी को खत्म करने की मांग की गई। मंत्री भुजबल ने आगे बताया कि इस बैठक में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री से प्रकाशित मसौदे को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। छगन भुजबल ने कहा कि वो ओबीसी अधिकारों के लिए यही नहीं रुकेंगे, बल्कि अदालती लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नेताओं ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि सभी ओबीसी को पार्टी की भागीदारी को छोड़कर एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के एक फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने 28 जनवरी को मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने तक ओबीसी को मिलने वाले सभी लाभ देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर असहमति जताई। नारायण राणे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के इस कदम से अन्य पिछड़े समुदायों के अधिकारों पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में इससे अशांति फैल सकती है। 29 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मराठा कोटे से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सिर्फ नारायण राणे ही नहीं, बल्कि कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल भी हैं। उन्होंने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर असंतोष जताया और ओबीसी श्रेणी में मराठों के पिछले दरवाजे से प्रवेश पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, 27 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे की सभी मांगे मान ली थी। जरांगे ने इसके बाद अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया था। फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें ओबीसी को मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए एक मसौदा अध्यादेश भी जारी किया था। शिंदे सरकार ने इससे पहले भी आरक्षण का वादा किया था और दोनों बार मनोज जरांगे पाटिल ने इसी वादे पर अनशन खत्म कर दिया। हालांकि आरक्षण का रास्ता अब भी साफ नहीं है। मनोज जरांगे ने भी चेतावनी दी है कि इस बार धोखा हुआ तो मुंबई के आजाद मैदान आऊंगा। मराठों के दबाव में शिंदे सरकार ने आश्वासन दिया तो ओबीसी भड़क उठे, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो दूसरी तरफ राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जाटों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है। जाट अड़ गए हैं तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। धौलपुर के बाद अब भरतपुर में जाटों ने महापड़ाव डाल दिया है। 13 दिन से धौलपुर के जयचौली गांव में जाटों का आंदोलन चल रहा था और अब धौलपुर के बाद एक और मोर्चा जाटों ने भरतपुर में खोल दिया है। दरअसल जाटों की मांग आरक्षण को लेकर है। जाट आंदोलन के चलते राज्य की भजन लाल सरकार भी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आंदोलन ये केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर हो रहा है, क्योंकि धौलपुर और भरतपुर के जाटों को राज्य सरकार पहले से ही आरक्षण की सुविधा दे रही है। ऐसे में केंद्र के खिलाफ जाटों के गुस्से की गाज राज्य सरकार पर गिरती दिखाई दे रही है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि वो 2 या 3 फरवरी को आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। भजनलाल सरकार ने आंदोलनकारियों से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। सरकार ने 2 विधायक और 2 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। यह 9 सदस्य कमेटी आरक्षण की फाइल को आगे बढ़ाएगी और केंद्र सरकार से भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलाने की पैरवी करेगी। जाट समाज ने अपनी तरफ से 5 सदस्य कमेटी के नाम सरकार को दे दिए हैं। सरकार के साथ अगर बात नहीं बनती है तो जाट समाज रणनीति बदलकर आंदोलन को उग्र बना सकते हैं। सरकार को चेताने के लिए जाट समाज ने दूसरा महापड़ाव भरतपुर में रूपवास तहसील के गांव जटमासी में शुरू कर दिया है। रूपवास से रुदावल जाने वाले रोड पर जाट समाज के सैकड़ों लोग महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। जाट आंदोलन धीरे धीरे आंदोलन को तेज कर रहा है। आंदोलन को पूरे राज्य में फैलाने की रणनीति बनाई जा रही है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि हमने दूसरा महापड़ाव जटमासी गांव पर शुरू कर दिया है। यह पड़ाव भी गांधीवादी तरीके से चलेगा। राज्य सरकार साथ ही केंद्र से भी बातचीत होना है। केंद्र सरकार से वार्ता होने के बाद ही आंदोलन के आगे की रूपरेखा तैयार होगी। जिले के कई इलाकों में महापड़ाव डाले जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित और एकजुट करना है। आंदोलन के चलते बीजेपी मुसीबत में दिखाई दे रही है। आंदोलन लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुए हैं, ऐसे में पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
खड़गे ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि इस बार का चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है। तो क्या कहा खड़गे ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासी पारा हाई हो चुका है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा का दौरा किया और यहां पे वे ओडिशा बचाओ समावेश यानी ओडिशा बचाओ अभियान को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और बीजेडी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा ओडिशा में बीजेपी जो चाहती है बीजेडी वही करती है, दोनों की पार्टनरशिप की सरकार है। बीजेडी ने मोदी सरकार की मिलीभगत से सबसे अधिक नुकसान ओडिशा के आदिवासियों का किया है, दलितों और कमजोर तबकों का नुकसान किया है। नवीन पटनायक और दिल्ली में मोदी सरकार दोनों मिलकर आदिवासियों की जल जंगल और जमीन लूट रहे हैं, जिसके बीच ओडिशा के किसान मजदूर आदिवासी दलित और गरीब लोग तबाह हो रहे हैं। ओडिशा में 45 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हैं, 2,36,000 पद अलग अलग सरकारी विभागों में खाली पड़े हैं। ये ओडिशा के लोगों के स्वाभिमान को गहरा धक्का है। वहीं आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार देशवासियों के पास वोटिंग का अंतिम मौका है, अगर गलती हुई तो फिर भविष्य में उन्हें वोटिंग का मौका नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन जीता तो ही देश में लोकतंत्र बचा रहेगा, इसलिए सोच समझ कर वोट करें। आप सभी के पास मतदान करने का आखिरी मौका है। ईडी के समन और नीतीश कुमार के विपक्षीय गठबंधन से अलग होने के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हर किसी को ईडी नोटिस दे रही है, वे लोगों को डरा रहे हैं। डर के कारण कुछ दोस्ती छोड़ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग गठबंधन छोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या लोकतंत्र बचेगा? इसलिए ये मतदान करने का आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मतदान नहीं होगा। और बुलेटिन के आखिर में थोड़ा और आगे और आगे और आगे थोड़ा लेफ्ट जी यहाँ पे मलाइका जी, मलाइका मैम, वाओ मैम लेफ्ट में मलाइका जी यहाँ पे फिर से ये लेफ्ट वाले को नहीं मिला। वाओ मलाइका जी रुकिए, फोटो चाहिए। उपास रखा था उसने, उपास रखा था उसने। डिस्कॉन है बोतो पी मैम लेफ्ट में बाय। यहाँ पे लाइट नहीं आएगी ना, यहाँ पे लाइट आएगी। सतना में इस तरफ देट इज बेटर है, ये लाइट अच्छी। मैम कैन यू रिवील व्हाट इज द शूट फॉर, आई मीन इट्स एन एड शूट, और व्हाट इज द शूट ऑल अबाउट? इट्स अ फ्रेग्रेंस फिटनेस एक्शन। सो व्हाट डू यू लुक फॉर व्हेन यू एसोसिएट विद अ ब्रांड, आई मीन व्हाट इज द थिंग यू लुक फॉर पर्टिकुलरली? क्वालिटी। And what's going on professional front, film projects or something you want to reveal? This Inspector Viraj season part 2 which is coming in, and then there is this film called NEK 109 with Balakrishna, Bobby Deol and Dilip Salman. There's Dil Hai Kare, there's Black Rose,
Dilhak Rahe is a Hindi film based, you know, based. It's a Tamil film, which is we have made it in Hindi, so that is the, and then a lot of other things as well. Thank you. आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब